हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, आने वाले स्मैकडाउन लाइव में यानी कि 20 अगस्त 2019 को होने वाले स्मैकडाउन में रोमन रेक्स फाइनली उनके अटैकर से बदला लेंगे। और भले डैनियल ब्रायन ने ये कह दिया था कि उन्होंने रोमन रेक्स पर अटैक नहीं किया है, लेकिन अगले हफ्ते ये रिवील हो जाएगा कि ये अटैक उन्होंने ही करवाया था। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रोमन रेक्स पर लगातार दो बार जानलेवा हमले हुए थे और समोजो का ये कहना था कि सब उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ये अटैक करवाए हैं, क्योंकि उस समय उनका और रोमन रेक्स का फ्यूड चल रहा था। लेकिन जब किसी ने सीधा गाड़ी से ही रोमन रेक्स पर अटैक कर दिया तो ये चीज क्लियर हो गई कि वो अटैकर समोजो नहीं है, और इसलिए रोमन रेक्स ने भी कहा कि समोजो का इन सब में हाथ नहीं था। और क्योंकि बड़ी मर्फी रोमन रेक्स पर हुए अटैक के समय नजर आए थे, इसलिए रोमन रेक्स ने उन्हें पीट पीट कर ये पता लगा लिया कि ये अटैक एरिक रोवेन ने किया था। और हम सब जानते हैं कि एरिक रोवेन डैनियल ब्रायन के लिए काम करते हैं। इसका यही मतलब है कि डैनियल ब्रायन और रोवेन ने मिलकर ये अटैक किया था रोमन रेक्स पर, और गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि डैनियल ब्रायन ही थे। पर दोस्तों, डैनियल ब्रायन ने भी इस हफ्ते बडी मर्फी को एरिक रोवेन से पिटवा कर उनसे ये बुलवा लिया कि वो दोनों भी इस अटैक के पीछे नहीं थे। और जब रोमन रेक्स उन दोनों से सवाल जवाब करने आए तो डैनियल ब्रायन ने रोमन रेक्स को उनसे माफी मांगने को कहा, और रोमन रेक्स डैनियल ब्रायन पर अटैक करने ही जा रहे थे। लेकिन उससे पहले ही डैनियल ब्रायन ने ये कहा कि वो अगले हफ्ते स्मैकडाउन लाइव में रोमन रेक्स के अटैकर को सामने लेकर आएंगे। दोस्तों, इतना श्योर है कि ये अटैक्स एरिक रोवेन और डैनियल ब्रायन ने मिलकर किए हैं, और रोमन रेक्स को अगले हफ्ते स्मैकडाउन लाइव में ये पता लग जाएगा कि उनपे जानलेवा अटैक्स इन दोनों ने ही किए हैं, और तब रोमन रेक्स इनको छोड़ने वाले हैं नहीं। और आने वाले पेपरव्यू में यानी कि क्लैश ऑफ चैंपियंस में रोमन रेक्स का मैच सेट हो जाएगा डैनियल ब्रायन के साथ। वैसे दोस्तों, रोमन रेक्स डैनियल ब्रायन से आराम से जीत जाते, लेकिन डैनियल ब्रायन की मदद करने उनके साथ एरिक रोवेन भी रहेंगे। इसलिए कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या रोमन रेक्स डैनियल ब्रायन से जीत पाएंगे या नहीं। अगले हफ्ते के रॉ के लिए WWE ने अनाउंस कर दिया है कि ब्रॉन स्ट्रोमन फेस करेंगे AJ स्टाइल्स को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच में। तो चलिए देखते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन AJ स्टाइल्स को हराकर पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। दोस्तों, साशा बैंक्स रॉ में रिटर्न आ चुकी हैं, और वो भी इस बार हील बनके, और उन्होंने आकर नेटालिया और बेकी लिंच पर अटैक कर दिया था। इसलिए 15 सितंबर 2019 को क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपरव्यू में साशा बैंक्स को मैच मिलेगा बेकी लिंच के साथ रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए। तो दोस्तों, अब आप भी कमेंट से बताइए कि इन दोनों में से कौन जीतेंगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।